ओके ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक्चुअली जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स काम करती हैं। डू यू नो अबाउट द प्रोटोकॉल्स? पता है क्या होता है? क्या होता है प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। और कुछ नहीं। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल इज अ लैंग्वेज बाय विच वी कैन कम्युनिकेट टुगेदर। अगर प्रोटोकॉल ना होती ना, तो शायद हमारा कम्युनिकेशन कभी नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, जैसे करा और ख़त्म का नहीं, ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशंस में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जैसे कि वो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वरिंदर है, वरिंदर को अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके बता रहा है कि उसे मूवी देखने चलना है। तो वरिंदर क्या स्टेप रहते हैं तुम्हारे? तो व्हाट्सएप करते हो? व्हाट्सएप करते हो? मैंने कहा फ़ोन करके बुला लें। नहीं, मम्मी रहती है ना। अच्छा, तो वैसे फ़ोन करके वो कर बुलाना, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? वो कह रहा मैं कर लेता हूँ, चलो उसका अंदर। क्या नाम है तेरा? संदीप। संदीप, संदीप कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक नंबर डायल करोगे उसकी, ठीक है ना। नंबर डायल करने के बाद, नहीं नंबर डायल करेगा, नाम देख के याद हो, सोना बाबू जो भी रखा होगा इसने। तो नंबर देखने के बाद डायल करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रिंगटोन बजेगी, है ना, दिल दिया गल्ला ऐसा कुछ समथिंग। चलो, तो इसका मतलब होता है कि एक प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करती फॉर इनिशियलाइजेशन योर कम्युनिकेशन, कि आप एक कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज कर रहे हो। तो वहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल्स काम करती है? इनिशियलाइजेशन वाली काम करती है। अब वहाँ से फ़ोन पिक हुआ, फ़ोन पिक होने के मतलब आपको ये पता लग गया कि सामने वाले पे अवेलेबिलिटी है, कोई ना कोई वहाँ पे अवेलेबल है। तो सेकंड प्रोटोकॉल ने आपकी हेल्प करी फॉर कनेक्शन स्टैब्लिश, कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। देन उसके बाद जैसे फ़ोन उठा लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? कहाँ पे हो? सीधा यही बोलते हो। वो कहते हैं बेटा, वो वहाँ से बजाती है कि बेटा कहाँ पे है? तेरी माँ बोल रही घर पे ही हो। हम सबसे पहले एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है हेलो। व्हाई वी आर यूज हेलो? बिकॉज हेलो इज़ यूज टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन, दैट इज़ जेन्युइन और नॉट। भाई मैं किसी को डेटा ट्रांसफ़र करने चाहता हूँ, तो पहले मैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करूँगा ना भाई, कि बंदा सामने वाला जेन्युइन है या नहीं है, मुझे उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करनी है। तो तीसरी हमारी प्रोटोकॉल हेल्प करती है ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, कि वो अवेलेबिलिटी सही जगह पर हो रही है या नहीं हो रही है। लकीली आपकी फ्रेंड ने ही फ़ोन उठाया, फिर आप क्या कहते हो कि हाँ कहाँ पर हो, कहाँ मिलना, ये चीज़ वो चीज़, अब उसे डिस्कस करते हो। तो क्या होता है? डेटा ट्रांसमिट, डेटा रिसीव, डेटा ट्रांसमिट, डेटा रिसीव, डेटा ट्रांसमिट, डेटा रिसीव। पीछे से पापा आ गए आपके, आपके पापा आ गए, आपने कहानी घुमा दी, कहानी घुमाया। सुंदर, हाँ क्या हाल है? हाँ सुंदर, कोई बात नहीं, क्लास के बाद चलेंगे। हाँ यार सुरेंद्र सर की क्लास लेने के बाद ना एक काम करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे हाँ मूवी देखने चलते हैं। आई हुई है दो तीन मूवीज़, वार भी आई हुई है, वार भी देखी नहीं है। ऋतिक रोशन का अच्छा काम है, टाइगर श्रॉफ तो पूछने की बात। हाँ चलेंगे, एक काम करेंगे, मैं तेरे को GIP मिलूँगा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पे। तो हाँ 6 बजे आ रही है, 5 बजे क्लास खत्म होगी, तो मैं वही घूमता घामता आ जाऊँगा। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, पर पापा को लग रहा है सुंदर से बात कर रहा है। क्यों सुंदर? हालांकि उनको पता नहीं है सुंदर नहीं, सुंदर नहीं है। उनको नहीं पता लगेगा, थर्ड पर्सन को नहीं पता लगेगा। फर्स्ट को पता है क्या डेटा सेंड हो रहा है, रिसीव वाले बंदे को पता है क्या डेटा रिसीव हो रहा है, कहाँ मिलना है, मगर थर्ड पार्टी को नहीं समझ आया। दैट इज़ इंक्रिप्शन, दैट इज़ इंक्रिप्शन, कि यहाँ पर आप डेटा को ऐसा इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेज रहे हो, तो ताकि सोर्स और डेस्टिनेशन अंडरस्टैंड कर सकता है, मगर बीच में बंदा को नहीं समझ आएगा। लास्ट में जब बात पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या करते हो? अच्छा ठीक है, रखता हूँ। सो अनरोमेंटिक हमारे लोग, हम जैसे लोग होते ना, ओके सोना बाय लव यू, हम कुछ ऐसा करते थे ताकि बताने वाले थे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि नाउ आई एम टर्मिनेट द सेशन। तो यहाँ पर हमारी एक और प्रोटोकॉल हेल्प करती है फॉर टर्मिनेट द सेशन। तो आप देखो एक कम्युनिकेशन में कितनी सारी प्रोटोकॉल्स आ गई। दैट्स वाई देर आर अराउंड 26,000 प्रोटोकॉल्स, 26,000 से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं आज की डेट में। वो क्यों है? वो इसी वजह से ही है, क्योंकि जब भी कभी आप कम्युनिकेशन करते हो, उस कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल्स के बहुत इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। हर प्रोटोकॉल का अपना एक डिफाइंड रूल है, इसलिए उसे सेट ऑफ रूल कहते हैं। सेट ऑफ रूल मतलब उसमें कुछ रूल डिफाइन किए हुए हैं। जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है वो रिसीव नहीं कर सकती, जो रिसीव करने के लिए यूज़ होती है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। मतलब हर किसी का अपना रूल डिफाइन है। अब मान लो, क्या नाम था तेरा भाई? यथार्थ। अब यथार्थ का फ़ोन आया कि सर मैं फ़ोन पिक कर लूँ। मैंने कहा कर लें, पिक करा, हेलो, हाँ
ओके हाँ ओके हाँ हाँ ठीक है ओके बाय। मैंने कहा यार यथार्थ भाई तुम्हें परमिशन मांगी थी फ़ोन आराम से बात कर लेता। कह रहा सर हो गई। मैंने कहा क्या हो गई सर? बात हो गई। मैंने कहा यहाँ हुई 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 बात हो गई है भाई यहाँ हुई 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 ये बात हो गई क्या? ये बात हो गई इतने से बात हो गई? कह रहा हाँ सर हो गई। दैट इज़ अ कंप्रेस फॉर्मेट ऑफ द डेटा ट्रांसमिट। समझे मेरी बात? दैट इज़ अ कंप्रेस बेटा डोर बंद कर देना। दैट इज़ अ कंप्रेस फॉर्मेट ऑफ डेटा ट्रांसमिट। मतलब आपने डेटा डेस्टिनेशन को बताया कंप्रेस फॉर्मेट में कि आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो मगर वो कंप्रेस फॉर्मेट में। इसने जो आंसर क्वेश्चन इसे पुट अप किया इसने आंसर दे दिया दैट्स इट। और डेटा वाक्य में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो भी गया, सामने वाले को समझ भी आ गया कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो ये भी एक तरीका है डेटा को ट्रांसमिट करने का। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। 26,000 वैसे प्रोटोकॉल्स हैं मगर टाइप्स टू ही होते हैं। एक होती है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होती है कनेक्शन लेस। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड, सेकेंड वन इज कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड दोज प्रोटोकॉल विच इज यूज टू प्रोवाइड अस एक्नॉलेजमेंट। मतलब जिन प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उनसे हमारे पास रिप्लाई आता है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल प्रोवाइड अस एक्नॉलेजमेंट, या ACK भी लिख सकते हो। ACK का मतलब एक्नॉलेजमेंट होता है। लिख रहा है लिख लो वरना मैंने आपको जो भेज दिए ना नोट्स, मैंने भेज चुका हूँ ना नोट्स आप लोगों को, उस नोट्स में एडवांस नेटवर्किंग में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है जब आप कोई कम्युनिकेशन करो और उस कम्युनिकेशन के होने के बाद आपके पास सक्सेसफुली एक रिप्लाई आ जाए, एक एक्नॉलेजमेंट आ जाए, तो समझ जाना वो कनेक्शन ओरिएंटेड के थ्रू हुआ है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का एग्जांपल होता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का एग्जांपल है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब कभी व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो आप मैसेज सेंड करते हो सिंगल टिक, मैसेज उसके डिवाइस से पहुंच गया डबल टिक, मैसेज उसने रीड कर लिया ब्लू, होता है या नहीं होता? होता है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। आपको ये एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि यस आपने जो डेटा ट्रांसमिट किया वो सक्सेसफुली आपके पास या आप तक पहुँच चुका है, इसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कौन जनरेट करके देता है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज़ रिलायबल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आपको रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कम्युनिकेशन कर रहे हैं अगर वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ उसकी रिपोर्ट मेरे पास आएगी ना, तो ये चीज़ रिलायबल होती है। रिलायबल मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि यस यार ये एक ट्रस्टवर्थनेस है इसके अंदर, ट्रस्टवर्दी का मतलब इसके अंदर सच्चाई है, ठीक है ना, परिपक्वता हिंदी में बोलूँ तो भाई यस यार मैंने भेजी तो मुझे ये पता भी लग गया कि पहुँची तो सच्चाई उसके अंदर है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंस होती है प्रोवाइड करती है कनेक्शन ओरिएंटेड। पर कनेक्शन ओरिएंटेड वर्क स्लो क्यों? क्योंकि जाएगी फिर लेके आएगी, तो स्लो है भाई, बहुत ज़्यादा स्लो है। बट इसी के अपोजिट कनेक्शन लेस जो प्रोटोकॉल होती है ना उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है नेवर प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल नेवर प्रोवाइड अस एक्नॉलेजमेंट। कनेक्शन लेस तुम्हें कभी एक्नॉलेजमेंट देगी ही नहीं, बट वो रिलायबल भी नहीं बट कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल वर्क फास्ट, ओरिएंटेड से फास्ट चलती है। तुम जितने भी ये बफरिंग करते हो ना, ये मैच देखते हो, यूट्यूब देखते हो, सब कुछ देखते हो, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के भी पे चलती है। लाइव स्ट्रीमिंग जैसे कहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जितनी भी है, यूट्यूब पे देखते हो वो तो उसका अलग ही है। तो यूट्यूब पे लाइव वगैरह देख रहे हो तो वो हमेशा UDP कनेक्शन लेस का एग्जांपल है। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस का एग्जांपल है UDP।
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, और जैसे कि हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर वो टीसीपी पे होता ना, बड़ा पंगा हो जाता। क्यों? पहले बॉल फेंकी, वो टप्पा खाई, वो बैट्समैन ने डक किया, फिर जाके एक्नॉलेजमेंट वहाँ सर्वर पे पहुँचेगी, फिर वहाँ से नेक्स्ट बॉल आएगी, फिर हमें दिखेगी। अरे भाई, पूरा मैच खत्म हो जाएगा इतने में। तो समझ रहे हो, ये प्रोटोकॉल्स ऐसी क्यों बनाई गई? मेरे से स्टूडेंट कहते हैं कि सर, टीसीपी जब इतनी अच्छी रिलायबल है, सब कुछ है, हैं, तो यूडीपी क्यों बनाया? यूडीपी मत बनाते। यूडीपी बनाने का फ़ायदा क्या हुआ सर? यूडीपी का कोई वर्क ही नहीं है, काम ही नहीं है। मैंने उसको बताया कि बेटा, जब कभी डेटा ऐसा ट्रांसमिट करना है जिसमें तुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, और जाना चाहिए फास्ट वे में, तो क्या करेगा भाई, तब यूडीपी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि यूडीपी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है फास्ट वे में, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। यूडीपी चलती है ना, तभी देखो ना, कई बार आपकी वॉइस जो होती है वो ब्रेक होती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जितनी भी आप करते हो ना, उससे लगभग यूडीपी चलती है। उसमें ऐसा कोई होता है कि सामने वाले ने सुन लिया, ऐसा कुछ एक्नॉलेजमेंट, वो तो हमें पता लग जाता है कि हाँ जी चला गया, बस हम कम्युनिकेशन करा देते हैं, खत्म करानी। अगर वो टीसीपी में होता ना कम्युनिकेशन, तो पहले आप बोलते हेलो दोस्त, वहाँ जाता, उसको कान में पहुँचता, फिर वहाँ से एक रिप्लाई आता, फिर वो बोलता वॉकी टॉकी में ऐसे तो होता था वो। तो भाई फिर तो वीडियो एक आधे घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो दिन में ख़त्म होती तो है ना। और कई बार ऐसा होता है, आप लाइव क्रिकेट मैच देख रहे होते हो, कई बार आपके में उसमें फ़ोन में या लैपटॉप में कहीं बफरिंग होता है, पूरा ओवर निकल जाता है, उसके बाद हमारा चलना शुरू होता है। कई बार हम देखो कुछ बोले मिस हो जाती है, कई बार हम बोल देख नहीं पाते। अगर ऐसा होता तो पर्टिकुलर वो वहीं से चालू होता। कई बार ऐसा होता है बफरिंग में टाइम लग जाता है, हम उसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तो वहाँ से मैच दिखता ही नहीं। वरना अगर टीसीपी में देखो, जहाँ पे आपने कनेक्शन टर्मिनेट किया तो वहीं से आप स्टार्ट भी कर सकते हो। यूडीपी में ऐसा ही नहीं, खत्म, चला गया भाई, अब तो पता ही नहीं मुझे कहाँ कहाँ नहीं। मिस हो जाएंगी, वह बात अलग है कि वो यूट्यूब वाले या दूसरे वाले उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। बाद में जब आपको चीज़ प्रोवाइड की जाती है ना, वो रिकॉर्डिंग बेसिस पे की जाती है, वो एक्नॉलेजमेंट देती है फिर कि आपने उसे एक्सेस किया, तो वहाँ पे स्टोर थी। लाइव जो चलती है वो यूडीपी, अगर वैसे आप करोगे तो टीसीपी। सर अगर जैसे यूट्यूब पे लाइव भी करते हैं, हाँ, वो यूडीपी उसमें स्टोर होता रहता है, साइड बाय साइड स्टोर होता रहता है, क्योंकि उनके पास होता है ना। जैसे कि आप आता नहीं है, एयरटेल ले लो, टाटा स्काई ले लो, आज के डेट में वो स्टोरेज नहीं देते हैं कि आप पोस्ट कर दो, पोस्ट करने के बाद क्या होगा, वो रिकॉर्ड करता रहता है अपने पास सब कुछ। और रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है कि तुम जैसे प्ले करोगे तो रिकॉर्डेड वाला स्टार्ट होगा, लाइव वाला स्टार्ट नहीं होगा। जियो टी वी भी हम मोबाइल के अंदर चलाते हैं आज की डेट में, उसमें भी तो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो नॉर्मल ऑप्शन होता है, एक होता है लाइव पे क्लिक कर दो। लाइव पे क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल लाइव पहुंच जाओगे, नहीं तो वो रिकॉर्ड होता रहता है, टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया का, साउथ अफ्रीका के साथ, आप लाइव देख सकते हो। लाइव मत देखो आप, कोई बात नहीं, आप पुराना वाला देख लेना, आज नहीं दिखेगा हमारे, आज नहीं दिखता पुराने वाला, आपको कल ही दिखेगा, कल ही आप देख सकते हो। कई चैनल ऐसे होते हैं जो अपने रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाते, जियो में, जियो टी वी में आप देखना, कई बार रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते, कई बार होती है, कई चैनल होते हैं बिल्कुल लाइव ही चलते हैं। लाइव इन द सेंस आपको ग्रे कलर के मिलेंगे, आप पुराना देखने की कोशिश करोगे दिखेगा ही, पुराना देखने वो तो फिर आपको बूट या बूट डाउनलोड कर लिया या यूट्यूब में जाके देख लिया, कहीं और से जाके देखना। तो प्रोटोकॉल्स अपने आप में बहुत कुछ समेटा हुआ है, प्रोटोकॉल अपने आप से बहुत कुछ समेटा हुआ है। प्रोटोकॉल्स बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, हर कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल आती है। और मैं तो नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ कि प्रोटोकॉल इज़ अ लैंग्वेज, प्रोटोकॉल इज़ अ लैंग्वेज बाई विच वी कैन कम्युनिकेट टुगेदर। भाई सर, अगर ये प्रोटोकॉल ना होती, अगर मेरे पास बोलने का साधन नहीं होता, लिखने का साधन नहीं होता, आपको समझाने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ ना होती, तो क्या मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पाता? बिल्कुल नहीं। मेरे पास वॉइस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जिसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, तभी तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ, आप प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। अब मैं बोलना शुरू कर दूँ, यहाँ कोई बच्चे बैठ के आके अपनी बातें शुरू कर दे, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? बच्चों की तरफ जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि कोलिजन हो गया, तो प्रोटोकॉल साथ में जो टकरा जाती तो वो कोलिजन कहलाती है। तो इन प्रोटोकॉल्स को जब बनाया जाता है ना, इसका बड़ा ध्यान दिया जाता है। ओ मीन्स ओपन, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए ना ये ओपन है, कोई भी वर्ल्ड में इसे यूज़ कर सकता है। सिस्टम, सिस्टम मतलब पर्टिकुलर सिस्टम, कंप्यूटर, सर्वर,
मोबाइल वट एवर कोई डिवाइस, कब कब आई मीन्स इंटरकनेक्शन, जब दो या दो से बीच में इंटरकनेक्शन होता है ना तब OSI काम करती है। एक सिंगल पीसी के अंदर कह दो इसके अंदर OSI है, OSI सिंगल पीसी में OSI कहाँ है, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ना तब तक OSI काम नहीं करती है। OSI के लिए ऐसे दो सिस्टम या दो से ज़्यादा सिस्टम्स होने चाहिए जिनमें कम्युनिकेशन होगा। अब इसको स्टैंडर्डाइज बनाया गया, OSI इज ए स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल लेयर। इसे स्टैंडर्डाइज किसने किया, उसका नाम इसी में छुपा हुआ, ISO, ISO सर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। OSI को स्टैंडर्डाइज, अब स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या हुआ भाई, क्यों बनाया गया स्टैंडर्डाइजेशन? और आपको बता चाहूँगा OSI सिर्फ OSI नहीं है, OSI को बोला जाता है OSI रेफरेंस मॉडल। इसको सिर्फ इतना नहीं बोला जाता है, इसका पूरा नाम है OSI रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस कौन यूज़ करता है OSI, जो इसको रेफरेंस बोलते हैं? नहीं पता, हैकिंग करता है तू तो OSI तो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, पीछे आपको नहीं मालूम सर, सर्वर यूज़ करते हैं तो क्लाइंट भी यूज़ नहीं करते फिर इसका मतलब। हाँ भाई सुंदर सर, जब डेटा ट्रांसमिट कर रहे उनके लिए, अच्छा डेटा ट्रांसमिट करते हैं उनके लिए, क्या तुमने कभी ये बोला है कि यार मेरा ना तीसरी लेयर में पंगा चल रहा है, मेरा डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कभी तुमने ऐसा बोला कि मेरी पहली लेयर ख़राब हो गई है इसलिए कनेक्टिविटी नहीं हो रही है? कभी तुमने ये बोला, क्योंकि इसके अंदर सात लेयर होती है, क्या तुमने ये बोला मेरी यार सातवीं लेयर में इशू था तभी मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाया? कभी किसी को बोलते हुए सुना कि मेरी OSI की लेयर ख़राब हो गई? फिर यूज़ कौन करता है इसे, हम तो नहीं बोलते किसी को, हमने कम्युनिकेशन के लिए कभी बोला ही नहीं वी आर वर्किंग इन दिस लेयर, हम किसी को नहीं बोलते, हम तो सीधा व्हाट्सएप खोलते हैं, सब लिखते हैं, टाइप करते हैं, सेंड कर देते, खत्म। हम मेल ईमेल आईडी खोलते हैं, ईमेल आईडी में लॉगिन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कंपोज करते हैं, कंपोज करके सेंड कर देते। आ गया, आइए मालिक, बहुत लेट हो गए, जल्दी निकला करो यार, कई लोग तो यहाँ पे दो दो ढाई बजे पहुँच जाते हैं। हाँ दूर से आते हो, ये दूर सबसे दूर से ये आता है नवादा से, नवादा उत्तम नगर, हापुड़ तो फिर भी पास है यहाँ से, और क्या हापुड़ ये रहा सीधा सीधा रास्ता है यार। हाँ ये है थोड़ा सा नवादा तो मेट्रो स्टेशन, पर लाइन एक सीधी है तेरी, ये बात है ब्लू लाइन सीधी है, इसके लिए फिर भी थोड़ा मुश्किल है हापुड़ वाले के लिए, तो जैसे बस में, बस के बाद मेट्रो के बाद। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करा करो, 3:15 तक मैंने टाइम दिया हुआ, ठीक है जी। तो भाई OSI को रेफरेंस मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यस इसे कोई लोग, कई लोग यूज़ करते हैं, हम लोग इसे, हम इसे यूज़ नहीं करते, पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ कम्युनिकेशन में ये यूज़ होता है पर हम इसे यूज़ नहीं करते, कंपनीज भी यूज़ नहीं करती सर, कोई कंपनी नहीं बोलेगी आपको कि मैं इसी लेयर पर काम करते हैं, आपको कल से इस लेयर पर काम करना है। मॉडल पर भी कोई कंपनी नहीं काम करती है भाई, किसने बोल दिया, बहुत गलत फहमी है आपको, OSI पे कोई कंपनी काम नहीं करती है, सब लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे तुम्हें आज तक नहीं मिलेगी, पर इसका मतलब रेफरेंस का मतलब कोई ना कोई तो इसे यूज़ करता होगा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हम किसी को रेफ़र कर देते हैं, तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि हाँ इसे कोई यूज़ करता होगा, यस इसे यूज़ करते हैं, द प्रोटोकॉल डेवलपर्स आर यूज दिस OSI रेफरेंस मॉडल। मतलब जब कभी कोई नई प्रोटोकॉल बनती है ना तो सबसे पहले इस सात लेयर के बारे में ना OSI रेफरेंस मॉडल ही पढ़ता है। हेलो तो भाई फ़ोन करा तो काटा जी दिया। OSI रेफरेंस मॉडल बेसिकली सबसे पहले प्रोटोकॉल डेवलपर्स के लिए ही बनाई गई है कि जब भी कभी आप प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे तो प्रोटोकॉल पर्टिकुलर किस लेयर पे चलेगी ये डिसाइड करना, ये है ओपन इसलिए बनाया गया ताकि वर्ल्ड में कोई भी प्रोटोकॉल डेवलपर हो, क्योंकि हर कोई प्रोटोकॉल बना, अगर आप डेवलपर है तो आप प्रोटोकॉल बना सकते हो, बट आपको प्रोटोकॉल डेवलप करने से पहले इसका रेफरेंस लेना है, क्योंकि जिस लेयर पे आप प्रोटोकॉल बनाओगे तो कल को वर्ल्ड में वो लेयर पे ही वो काम हो। भाई मैंने बना दी सेंड करने के लिए, एक बंदे ने बना दी वही वाली प्रोटोकॉल रिसीव करने के लिए, तो क्लैश
क्लैश भाई, मुंह दिया गया बोलने के लिए, मुंह बन जाए सुनने के लिए तो मज़ा आएगा क्या? लोग मुंह से मुंह चिपका के बात करेंगे हैं, ऐसा तो नहीं होता भाई। लोग मुंह से कान में बात करते हैं, करते हैं भाई, चिपका के तो कुछ और ही काम होता है ना। कुछ हो रहा है संदीप, संदीप को आज मैसेज करेगा ना उसको। ये होता है कि प्रोटोकॉल डेवलपर्स आर यूज द ओएसआई रेफरेंस मॉडल व्हेन दे क्रिएट अ प्रोटोकॉल, दे यूज देयर रेफरेंस, ओएसआई का रेफरेंस यूज कर। बिना ओएसआई के रेफरेंस के कभी कम्युनिकेशन नहीं होता, और ना ही उन कोई प्रोटोकॉल डेवलपर्स इस प्रोटोकॉल्स को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, जब तक उसके पास इसका रेफरेंस ना हो, नहीं बना सकता भाई साहब। और रिकमेंड किया गया है, तभी तो इसको ओपन स्टैंडर्ड कहा गया है। ये ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सेम। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब सबके लिए सेम। ये सिंपल भाषा में बोलना चाहूँगा मैं आपको, रोटी बनाना एक स्टैंडर्ड है। रोटी बनाने की स्टैंडर्ड है अपने आप में। क्या होता है रोटी बनाने का तरीका? कच्चा आटा लिया, पानी डाला, उसे गूंदा, फिर उसे बेला, फिर उसे पकाया, यही होता है ना। ऐसा तो नहीं है चीनी लोग कच्चा आटा लेते हैं तवे पे रख देते हैं, आऊं चिंचा बन जा और बन जा, बन गई ऐसे बनती रोटी है। यूएस वाले कहते हैं मैक तो रोटी प्लस बन गई, रोटी बन गई बोलते, मतलब आटा लिया उसे पानी डाल दिया कि भाई रोटी बन जा, बन गई। ऐसे बनती है ना, पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीका रोटी बनाने का। कच्चा आटा लिया जाता है, उसे पानी, वो बात अलग है, हम हाथ से गूंथते हैं, उनके पास मशीन, गूंदने वाली मशीन आती है आज की डेट में, वहाँ गूंज जाता है। हाँ गूंज जाता है, मना नहीं कर रहा, पर प्रोसेस तो वही है। इस प्रोसेस या स्टैंडर्ड बनाने की वजह क्या होती है? ताकि पूरे वर्ल्ड में इसे फॉलो किया जा सके। अब मान लो किसी मिलिट्री के अंदर किसी कुकर की भर्ती निकली, कुकर इन द सेंस जो कुकिंग करने वाला है ना आदमी, शेफ जो इसे हम लोग कहते हैं शेफ, तो शेफ की भर्ती निकली। अब उसे पूछा गया था आज क्या करते हैं हम, क्या, तो वो कहेगा जी मेरे को सर सेकंड रोटी बनाने के सेकंड प्रोसेस में दिक्कत है। तो सेकंड प्रोसेस बनाने का मतलब क्या हुआ? बेलना। भारत का नक्शा बन जाता है सर, बोल नहीं बन पाती है। पता लग गया ना आपको, बोला पहला स्टेप क्या था? गूंदना। दूसरा क्या था? बेलना। तीसरा क्या था? पकाना। स्टैंडर्ड हो गया ना, स्टैंडर्ड तो समझ आ जाएगा सामने। स्टैंडर्ड बनाने की वजह ये होती है ताकि पूरे वर्ल्ड में इसको सेम ही फॉलो किया जा सके, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। देयर इज अ सेवन लेयर्स इन ओएसआई, और हमेशा ध्यान रखना सेवन से ही स्टार्ट करना, ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट ओएसआई रेफरेंस मॉडल विद सेवन लेयर। पहले लेयर का नाम है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, देर आर सेवन लेयर्स इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। जब भी कभी कोई कम्युनिकेशन होता है तो हमेशा इन सातों लेयर का ही रोल होता है। इन सातों रेल का इसका लेयर्स का अपना एक यूनिक रोल होता है हर किसी लेयर, ठीक है ना। आप पापा से तो नहीं डरते पप्पू, या है ना, या प्लीज डू नॉट थ्रो शाही पनीर अवे, नीचे से पप्पू है, या फिर और भी है, आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, और भी है दारू वालों के अलग मैं बना सकते अपने से। ठीक है जी, और भी बहुत है, और भी बहुत बताते थे कि ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग,
कई लोग बोलते हैं इस चीज़ को, वो अच्छा है आप पापा से तो नहीं डरते पप्पू, आप पापा से तो नहीं डरते पप्पू, याद करने का तरीका है, तो कलर कोडिंग का तरीका बोल रहा था ना, इसका तरीका ही है। अब ये सातों लेयर को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है और इन सातों लेयर के अपने अपने यूनिक फंक्शन है। पहली आती है सबसे ऊपर, इसका नंबर है सात और जिसको नाम दिया गया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड टू प्रोवाइड अस अ यूजर इंटरफेस। मतलब जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हो ब्राउजर में, जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वो वेबसाइट पर्टिकुलर किसी प्रोटोकॉल के थ्रू खुलती है, या तो वो HTTP खुलेगी या वो HTTPS खुलेगी। आपको क्या मिला, यूज़र इंटरफेस, जिससे आप उसे पहचान पाए, यूज़र इंटरफेस। बिना यूज़र इंटरफेस के आप कम्युनिकेशन कर पाते? बिल्कुल तो मुझे समझ ही नहीं आएगा मुझे कम्युनिकेशन किससे करना है, क्या करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो पहली प्रोटोकॉल, पहली लेयर का काम होता है प्रोवाइडर्स यूज़र इंटरफेस, हमारे को यूज़र इंटरफेस देने का काम करती है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स चलती है, HTTP, टेलनेट, DNS, DHCP, SSH, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स जिनका काम है यूज़र इंटरफेस करना, इंटरेक्ट करना। उसके बाद जैसी आपकी इंफॉर्मेशन नीचे आती है, प्रेजेंटेशन लेयर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द फॉर्मेट ऑफ द फाइल, द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल और डेटा, जो भी आपका डेटा है कि आप किस तरह का डेटा कम्युनिकेट करा रहे हो, .pdf, .doc, .txt, .ppt, .exe। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर इज यूज टू डिफाइन फॉर्मेट ऑफ द फाइल, उसका प्रेजेंटेशन, उसका फॉर्मेट, और फॉर्मेट किसी भी तरह का हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया। प्लस कंप्रेशन और इनक्रिप्शन डिफाइन ऑन दिस लेयर, पर दोनों में से कोई एक चीज डिफाइन होती है। या तो आप डेटा को कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, डेटा को हम छोटा कर सकते हैं कंप्रेस कर, या डेटा को एक इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेजना चाहता हूं, तो वो कहां डिसाइड होगा। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर काफी हद तक डेटा को प्रेजेंट करने का काम करती है। क्लियर है? द प्रेजेंटेशन लेयर इज यूज टू डिफाइन फॉर्मेट ऑफ द फाइल एंड कंप्रेशन इनक्रिप्शन आर आल्सो डिफाइंड ऑन अ पर्टिकुलर लेयर। इसी प्रेजेंटेशन लेयर से पता चलता है, कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। कंप्रेस करोगे तो इनक्रिप्ट नहीं होगा, इनक्रिप्ट करोगे तो कंप्रेस नहीं होगा, कोई एक चीज। नेक्स्ट सेशन लेयर, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टैब्लिश द सेशन, टू मेंटेन द सेशन, टू टर्मिनेट द सेशन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन बना रहे, बनाने के लिए, और जब कम्युनिकेशन हो गया उसे टर्मिनेट करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, सेशन लेयर, कि भाई अगर किसी से हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके साथ सेशन बनाएगा, वो सेशन बनेगा बाद में, पर उसको पहले इनिशियलाइज करने का काम सेशन लेयर, उसको बनाए रखने का काम सेशन लेयर, और काम हो गया टर्मिनेट करने का काम सेशन। वो जाएगा नीचे से, मगर यहाँ पे काम इसको दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी, अभी नहीं बनना शुरू होगा, अभी नीचे वाली चीज़ें भी तो बाकी हैं, पर काम करेगा कौन। सेशन लेयर इज यूज टू स्टैब्लिश द सेशन, मेंटेनिंग द सेशन एंड टर्मिनेट द सेशन। जैसे इंफॉर्मेशन सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है तो वो इंफॉर्मेशन अब इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाती है, चंक्स, जिसे आप लोग बोलते हो सेगमेंट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर इज used to divide our data into segment,
मतलब इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को एक बारी में लेके जाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है भाई। हैं राज को छोड़ी दे दूँ वो एक बारी में खा जा, खा लोगे गोलगप्पा तो फिर भी खाया जा सकता है, तो मुँह बड़ा है, कहीं का तो मुँह ही बहुत छोटा होता है। क्यों वीरेंद्र बहुत छोटा मुँह है तेरा, गोलगप्पा खाते समय भी इसको दिक्कत आती होगी, जाता ही नहीं होगा टूट जाता होगा यहीं पर, दिक्कत आती होगी नेचुरली बात। तो ऐसी भाई साहब बैंड भी धोती है तारों की, तारों की बैंड भी धोती है, कैपेसिटी होती है जो कलम डिस्कस की थी याद है ना, 100 Mbps 1000 Mbps, और तुम उस पर 10 Gbps का डेटा भेजो 100 Mbps वाली पे, भेजा कहेगा नहीं भाई इस 1000 वाली को ना 10-10 टुकड़ों में तोड़ तब लेके जाऊँगा। तो टुकड़ों में तोड़ना अभी पैकेट नहीं होता सर, सब लोग यहीं पे पैकेट बोलना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे सेगमेंट होता है, इन्फॉर्मेशन जाती पैकेट के फॉर्मेट में है, हम उसको पैकेट बोलते हैं क्योंकि वो पैकेट जाता है, और वो पैकेट कभी सिंगल पैकेट नहीं जाता, वहाँ पे मल्टीपल पैकेट जाते हैं। तो मल्टीपल पैकेट के ऊपर सीक्वेंस नंबर लगाना, क्योंकि जब कभी आप ऊपर से डेटा आ रहा है, जब आप यहाँ पे लाओगे उसे तोड़ोगे आप चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, तो क्या होगा डेस्टिनेशन पे जाके वो चिपकनी चाहिए, मतलब असेंबल होनी चाहिए, यहाँ आप उसे फ्रेगमेंट करते हो, फ्रेगमेंटेशन डिसाइड ऑन दिस, वहाँ पे जाके वो रीअसेंबल होती है, मतलब असेंबल होती है। तो अगर उल्टी ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे हो गई, उल्टी पुल्टी हो गई, तो क्या होगा मिसमैच हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। या तो मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा, ये लकड़ी ले लूँ, उस लकड़ी के 3 pieces कर लूँ, और तीनों पीसीज एक्यूरेट फॉर्मेट में करो, और आपसे बोलूँ इनको इनको सीक्वेंस वाइज जोड़ दो, आप कहोगे सर समझ नहीं आ रहा, तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन है सर समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा सर। अगर मैं उस पर लिख दूँ 1, 2 और 3 और फिर उन्हें टुकड़ों में डिवाइड करूँ और तुम्हें कहूँ सीक्वेंस वाइज जोड़ दो, अरे सर ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है सर, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, ये मेरे उल्टे हाथ में जोड़ दिया। तो इसलिए जब डेटा ऊपर से नीचे आता है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो चंक्स में डिवाइड होता है, चंक्स सेगमेंट उसे कहते हैं सेगमेंट, तो सेगमेंट पे ऊपर ना सीक्वेंस नंबर डाले जाते हैं, सीक्वेंस नंबर, ताकि भाई साहब वो डेस्टिनेशन पे सही तरीके से जुड़ जाए। डेटा का फ्लो, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एरर एरर, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कि कितना जाएगा, कितना जाएगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 major प्रोटोकॉल चलती है जिसका नाम है TCP और UDP, पर दोनों में फ़र्क वही है, अगर आप TCP के थ्रू कम्युनिकेशन करोगे तो तुम्हारे पास रिप्लाई आएगा, अगर UDP के थ्रू करोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा। अब जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर से इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर पे आती है, तो अब वो सेगमेंट सेगमेंट नहीं रहता, अब वो सेगमेंट सेगमेंट नहीं रहता, अब वो बन जाता है पैकेट, और उस पैकेट के ऊपर लगता है लॉजिकल एड्रेस, द लॉजिकल एड्रेस डिफाइन ऑन द पैकेट्स इन नेटवर्क लेयर। किसका लॉजिकल एड्रेस, सोर्स का, किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का लॉजिकल एड्रेस डिफाइन होता है नेटवर्क लेयर पे, और इन्फॉर्मेशन सेगमेंट नहीं रहती, उसके ऊपर एक पैकेट लग जाता है, उस पैकेट के ऊपर डिफाइन होता है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस वर्क ऑन नेटवर्क लेयर एंड राउटर आल्सो वर्क ऑन अ नेटवर्क लेयर। राउटर जो होता है वो आईपी पे चलता है, कल आप परसों समझाया गया था, परसों कल कल ही समझाया था, परसों समझाया गया था कि राउटर जो होता है वो आईपी पे चलता है, तो राउटर आईपी पे चलता है तो कौन सी लेयर पे चलता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जैसे डेटा लिंक पे आई, आईपी से जैसी इंफॉर्मेशन नीचे आई, अब आईपी से आने के बाद वो पैकेट पैकेट नहीं रहा, अब वो बन गया फ्रेम, क्या बन गया, फ्रेम, और उस फ्रेम पे लग गया फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस इज यूज टू डिफाइन ऑन अ डेटा लिंक लेयर, मतलब भाई जब इंफॉर्मेशन नेट कंप्यूटर से बाहर निकलेगी, कल को आईपी एड्रेस किसी ने पलटी मार दी, आईपी एड्रेस चेंज हो जाते हैं,
आई पी तो चेंज हो जाते, तो कल को तूने इन्फॉर्मेशन तो भेज दी मगर तेरा भाई साहब आईपी चेंज हो गया, तो तेरे को एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलेगी? अगर टीसीपी के थ्रू कम्युनिकेट करोगे तो एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ना हर मशीन का यूनिक होता है, पूरे वर्ल्ड में मैक एड्रेस हर मशीन का यूनिक होता है, कभी किसी का सेम नहीं हो सकता। इसलिए हैकर लोग मैक स्पूफिंग करते हैं। मैक स्पूफिंग का मतलब होता है अपने मैक एड्रेस को चेंज करके दूसरे का मैक एड्रेस दिखाना। इससे सर लॉजिकली आप कर सकते हो, फिजिकली नहीं। मतलब मैक एड्रेस को सॉफ्टवेयर की हेल्प से, सेटिंग की हेल्प से, माय कंप्यूटर में इसमें विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप तार वाला जो होता है ना इथरनेट, उसका मैक चेंज कर सकते बिना सॉफ्टवेयर। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूँगा। मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा टेम्प्रेरी, परमानेंट मैक एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते सर। परमानेंट मैक एड्रेस चेंज करने के लिए आपको आईसी उखाड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैक एड्रेस एक आईसी पे हो, इंटीग्रेटेड सर्किट और रीड ओनली मेमोरी में होता है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी उसमें डाला जाता है मैक एड्रेस। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस डिसाइड होता है, यहाँ पे मैक एड्रेस डिसाइड होता है कि भाई कहाँ जाना है और किसके पास जाना है, ताकि कल को एक्नॉलेजमेंट आए तो उसी पीसी को आनी चाहिए जिसने रिक्वेस्ट की थी। भाई जो रिक्वेस्ट करेगा एक्नॉलेजमेंट उसको तो मिलनी चाहिए, मुझसे जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उसी को तो आंसर दूंगा या पड़ोसियों को बताऊंगा, तो वो जरूरी होता है। और लास्ट में जब इंफॉर्मेशन आपके नेटवर्क से बाहर जाती है तो कभी भी वो पैकेट फ्रेम व्रेम में नहीं जाती है, वो जाती है बिट्स में, 01011110 की कंडीशन में। फिजिकल लेयर इज यूज टू, ठीक है ना, ट्रांसफर अवर डेटा इनटू बिट्स एंड फिजिकल कनेक्टिविटी आल्सो डिफाइन ऑन अ फिजिकल लेयर। फिजिकल कनेक्टिविटी मतलब या तो तारों से हो सकता है या तो वाईफाई से हो सकता है, मगर वो एक तरह की फिजिकल कनेक्टिविटी है, वो डिसाइड होता है आपका फिजिकल लेयर। मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन होती है ना वो होती है डेटा। डेटा किसी का भी हो सकता है, मतलब आपने यहाँ पे एम एस वर्ड खोला और जब इस डेटा को आप सेव करते हो तो ये डेटा डेटा नहीं रहता, इसका फॉर्मेट बन जाता है। वर्ड में जो फाइल खोलते हो उसको सेव करते हो डीओसी या डीओसी एक्स तो होती है, जब वो इंफॉर्मेशन यहाँ पहुँचती है तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या कम्युनिकेशन होगा वो डिसाइड करते हैं प्रोटोकॉल, जिसका नाम होता है आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल, नेट बायोस, ऐसी कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं जो सेशन बनाने का काम करती है, उसे मेंटेन करने का काम करती है, उसे टर्मिनेट करने का काम करती है। तो इसको पता लग जाता है हाँ मेरे पास एक काम आ गया, सेशन लेयर को समझ आ जाता है हाँ मेरे पास एक काम आ गया, मेरे को किसी के साथ कम्युनिकेशन करना, ये करना, वो करना, फलाना फलाना। पर जब इंफॉर्मेशन यहाँ भी होती है, यहाँ भी वो डेटा कहलाती है पर जब इंफॉर्मेशन यहाँ पहुँचती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो डेटा डेटा नहीं रहता। क्या बन गया वो सेगमेंट्स। सेगमेंट्स बनने के बाद इसके ऊपर नंबर भी डाल दिए जाते हैं, क्योंकि डेटा था वो टूट गया। आप ये चीज पूरी की पूरी ऐसी यहीं पे आ जाती है, उनके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, पर यहाँ पे एक चीज अपेंड हो जाती है जिसका नाम है, अब इंफॉर्मेशन सेगमेंट ना रह के बन जाती है पैकेट्स। अब पैकेट की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है, वो यहाँ पे तो यहाँ तक तो पैकेट ही होती है, मगर उस पर एक चीज एड्रेस ऐड हो जाती है वो होता है, और इसको पैकेट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। और लास्ट में इंफॉर्मेशन, सो इस तरीके से आपका डेटा फ्लो, सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्लो इस तरीके से, पहले डेटा डेटा डेटा, फिर सेगमेंट्स, फिर पैकेट,
फिर फ्रेम, फिर बिट्स। और वहाँ पहले क्या रिसीव होगा? बिट्स। बिट्स किस में कन्वर्ट होंगे? फ्रेम में। फ्रेम किस में? पैकेट में। पैकेट किस में? सेगमेंट्स में। फिर सेगमेंट से वापस बनेगा डेटा, क्योंकि जिसने भेजा उसने भेजा, उसने भेजा उसने भेजा, सब टर्मिनेट हो जाएगा, सब खत्म। फिर उसका डिसाइड होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद, फॉर्मेट के बाद, फॉर्मेट के बाद एप्लीकेशन बताएगी, क्योंकि आप फॉर्मेट डिसाइड करोगे तो पता चल जाएगा ना कि भाई कौन सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट से भाई आप बताओगे डीओसी है, तो डीएससी कौन से उसमें खुलती है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपको क्या देगा? एमएस वर्ड आपको क्या देगा? इंटरफेस देगा, और एप्लीकेशन लेयर पे इंटरफेस ही होता है। एनीथिंग एल्स? व्हाट इज दिस एप्लीकेशन? रिमोट प्रोसीजर कॉल विच इज यूज टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट द सेशन। भाई कोई ना कोई एक जरिया तो होगा जो कम्युनिकेशन करेगा, कोई ना कोई एक मैथड तो होगा जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन होगा। तो वो कम्युनिकेशन होना, जरिया वरिया, ये सब चीज़ें कौन है भाई? आरपीसी। आरपीसी रिमोट प्रोसेस कंट्रोल, रिमोट प्रोसीजर, प्रोसीजर सर, प्रोसीजर। आरपीसी रोड रिमोट प्रोसीजर कॉल, CAWL बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सर्वर की कनेक्टिविटी क्लाइंटों से नहीं होती ना, आरपीसी बंद हो जाती है पीछे से, उस आरपीसी सर्विस को स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि यही तो सेशन बनाती है। और जब भी सेशन को ख़राब करना हो ना, तो हम आरपीसी को बंद कर देते, सेशन बनेगा ही नहीं किसी का, सर्वर बंद कर दो, बनता ही नहीं। सर ये अपने आप बनाता है, बाइनरी फॉर्मेट होता है, जीरो और वन ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो अपने हिसाब से ना पैकेट जहाँ उसको वैल्यू लगती है एप्लीकेबल है, मतलब यूजेबल है, वहाँ वो वन कर देता है। जहाँ लगता है एप्लीकेबल नहीं है जीरो, जहाँ लगता है एप्लीकेबल है वन, जहाँ लगता है एप्लीकेबल नहीं है जीरो। मतलब जो वैलिड होता है वो वन हो जाता है, जो वैलिड नहीं होता वो जीरो। और बताओ और कुछ? अच्छा सर, एक पैकेट का साइज क्या होता होगा? MTU डिसाइड होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जो कि होता है 1500 बाइट। अगर आप इथरनेट केबल यूज़ करते हैं, इफ यू आर यूजिंग द इथरनेट केबल, जो ये केबल जो आपको कल दिखाई गई थी, उसमें मैक्सिमम डेटा का साइज आता है 1500 बाइट। 1500 बाइट पे जाता है। 1500 बाइट कन्वर्ट कर ले भाई, 1024 MB KB इज इक्वल टू 1 KB, ऑलमोस्ट 1 KB। हाँ हाँ रख लो यार, ऐसा क्या हो गया, ब्रेक में क्या है। ऐसी नहीं है, अगर आप फाइबर यूज कर, अब हर किसी का अलग अलग हो गया है, तारों के हिसाब से डिफाइन होता है। वैसे अगर एक देखा जाए तो एक 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 साइज, मिनिमम साइज, मिनिमम साइज बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम साइज 1500 बाइट, मतलब 32 बाइट का भी होता है, कई बार मिनिमम साइज 32 बाइट भी होता है। ये ना हमारी केबल और टेक्नोलॉजीज पे काफ़ी हद तक डिपेंड है। केबल जैसे मगर डेटा तो इनिशियल फेज में तो इथरनेट से ही जाएगा, इथरनेट से, तो ये वाली सर जरूरी नहीं होता ना, कई बार इथरनेट से निकल गया तो वो तो चलो 1500 बाइट की इन्फॉर्मेशन में निकल गया, आगे हमारे पास अच्छी लाइन है, लीज लाइन है, फाइबर के क्या है, तो फाइबर अपने हिसाब से उसे मैनेज कर लेती है, वो फिर कंबाइन करके कैसे भी करके। अच्छा, दोबारा से चेंजेस होता है? चेंजेस नहीं, कंबाइन करना या किसी तरीके से फ्रिक्वेंटली फास्ट भेज देगी, और क्या होगा, एक के पीछे एक लगा देगी, यहाँ पे गैप आ जाएगा कुछ माइक्रो सेकंड्स का, वहाँ गैप नहीं आएगा, वो तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल, फ्रेम्स को डिसाइड करेगा,
मेरे लिए आया, मेरे मैक के लिए आया है। फिर आईपी एड्रेस बता देगा, यस सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, सोर्स तुम ही हो, डेस्टिनेशन तुम ही हो। सर एक साथ कंप्रेशन और इंक्रिप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तुम इंक्रिप्ट डेटा को कर देते हो ना, तो उसकी वैल्यू बहुत चेंज हो जाती है, उस पर एडिशनल कुछ चीज़ें उडल जाती है। तो जब तुम कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस में भी डेटा का फॉर्मेट चेंज होता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि डेटा कहाँ इंक्रिप्टेड है, कहाँ कंप्रेस है। तो मिसमैच के चक्कर में कोई एक ही चीज़ चलती है। सेशन जब आप किसी से इनिशियलाइजेशन करते हो, मतलब देखो आप किसी न किसी को फाइल बना रहे हो, कुछ ना कुछ बना रहे हो, तो किसी न किसी को डेटा भेजने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ये सिंगल कंप्यूटर पे कुछ नहीं होता, ये डेटा जब तक किसी को भेजोगे नहीं तब तक ये नहीं होता। तो आपको माइंड में पता है ना आप किसको डेटा भेज रहे हो, तो जैसे ही टू लिखते हो ना, टू में आपने लिखी sandeep@gmail.com, तो अब आपके एंड से ये पता चल गया कि आपको कम्युनिकेशन बनाना किसके साथ, जीमेल के साथ। तो जीमेल के साथ कम्युनिकेशन बनाना सेशन लेयर का काम। अच्छा सर एक और सेशन सुने हैं कि मतलब वो अलग चीज़ होती है, वो होता है जैसे कि हमने जीमेल आईडी खोली तो हमारा एक सेशन बन जाता है। वो सेशन क्या होता है, वो भी ये चीज़ है, क्योंकि आपने जीमेल की आईडी खोली तो आपने कम्युनिकेशन किसके साथ किया, गूगल के साथ किया। तो गूगल ने आपको क्या बना के दिया, एक आईडी बना के दी, और उसके थ्रू आपको क्या बना के दे दिया, सेशन। तो सेशन को मैनेज कौन कर रहा है? कई बार अपना ब्राउज़र बंद कर देते हो, थोड़ी देर बाद आके दोबारा ब्राउज़र ऑन कर लेते हो, तो ईमेल आईडी वैसे की वैसे खुली दिखती है। क्यों? क्योंकि सेशन मैनेज हो रखा होता है। उसके नेटवर्क से नहीं आ रहा होगा, जहाँ से तुमने खोलने की कोशिश करी ना, वो साइट रिस्पॉन्स नहीं कर रही होगी। आप मतलब मेरे नेट से वो नहीं इशू था, आपके नेटवर्क में कोई इशू नहीं था, ठीक है। उसके DNS में ना, उसके DNS में उस पर्टिकुलर IP को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो उससे सेशन ही नहीं बना पा रहा था। तो ये इशू किसके था, वो इस हॉटस्पॉट जिस बंदे के आपने लिया ना, ये उसका इशू था। हॉटस्पॉट का नेटवर्क, जो भी आपको डेटा का नेटवर्क, जो भी डेटा कार्ड यूज़ करे थे, जियो का होगा या किसका होगा, उसका ही नहीं, एयरटेल से नहीं। तो एयरटेल का इशू, एयरटेल के सर्वर का इशू। नहीं, दिस लेयर्स वर्क ऑन एनी कंप्यूटर सिस्टम एंड द राउटर स्विचेस एंड वर्क ऑन अ पर्टिकुलर लेयर्स। राउटर वर्क ऑन दिस लेयर। Switch work on this layer and hub work is on this layer, but now switches also come here, that is L3 switches. आज की डेट में अवेलेबल है ऐसे switches, L3 पे चलते हैं। केबल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। केबल सर यहाँ पे आती है, तो ट्रांसपोर्ट केबल फिजिकल लेयर है सर, केबल फिजिकल लेयर पे काम आती है। फिजिकल लेयर बताती है केबल, फिजिकल कनेक्टिविटी ना सर, वाईफाई भी फिजिकल कनेक्टिविटी है, हालांकि वाईफाई वो आती है अनबाउंडेड, नॉन टेंजिबल है, मगर कनेक्टिविटी तो फिजिकली है उसकी तरह से। वो एक चीज़ डाउट आपकी होनी चाहिए थी, वो डाउट ये होनी चाहिए थी, जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो और कम्युनिकेशन में आप किसी भी तरह की एक्नॉलेजमेंट या कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं चाहते, तो UDP वहाँ पे इंफॉर्मेशन में एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, बस कम्युनिकेशन हो जाएगा, सेंड। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर पर डिसाइड, हालांकि डिसाइड तो ऊपर से होता है। जब कभी आप कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करते हो ना एप्लीकेशन लेयर पे, तो उस प्रोटोकॉल का एक नेचर होता है। जैसे आपने एक प्रोटोकॉल यूज़ करी TFTP प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे चलती है, मगर उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है UDP, मतलब कनेक्शन लेस। तो फिर वो क्या ऊपर से डिसाइड हो गया, तो वो किसके थ्रू जाएगी, अब UDP के थ्रू जाएगी। एप्लीकेशन लेयर पे डिसाइड होता है कि हमारा डेटा कैसा जाएगा, अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो TCP, अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए तो। सर आपने बताया SSH एक प्रोटोकॉल है, SSH एक प्रोटोकॉल, सर एक इंक्रिप्शन भी तो होता है SSH। सर SSH इज अ प्रोटोकॉल बाय विच वी कैन एक्सेस द राउटर रिमोटली बाय द हेल्प ऑफ सिक्योर टेलनेट, सेम वर्क करता है मगर वो सिक्योर नहीं है।
पर इन SSH के अंदर क्या चीज़ जाती है, SSH के अंदर इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाती है. इनक्रिप्शन इज नॉट अ प्रोटोकॉल, इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट योर प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट. इनक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जो आपके इन्फॉर्मेशन को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है. वो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उस काम को करने के लिए प्रोटोकॉल है AES, AES, TCP/IP, सुना आपने? ये सारे इंक्रिप्शन RSA, ये सारी एल्गोरिथम्स हैं, ये सारी एल्गोरिथम्स हैं जो एल्गोरिथम्स काम करते हैं. MD5, SHA, ये सब क्या हैं? ये सारी एल्गोरिथम्स जो इस इंक्रिप्शन करने का काम करते हैं. एक्चुअल में क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर हम OSI को उल्टा ही क्यों लिखते हैं, हमेशा 7654321 ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम पहले भेजने का काम, क्योंकि हम हमेशा सेंडर होते हैं, हम हमेशा सेंडर होते हैं. और जो रिसीवर होता है ना, वो क्या होता है, हम यहाँ से हमेशा इंफॉर्मेशन इस तरीके से भेजते हैं, ऐसे. और जब रिसीविंग होती है तो पहले सबसे पहले उसकी बिट्स चेक की जाती है, फिर उसको फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है, वापस फ्रेम बनाया जाता है, फ्रेम से वापस पैकेट, पैकेट से वापस सेगमेंट्स, सेगमेंट से वापस डेटा, डेटा से फिर डेटा का फॉर्मेट, और फिर एप्लीकेशन लेयर उसे डिसाइड करती है कि यस किस एप्लीकेशन मुझे उसे खोलना है. ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो OSI में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमेशा सात उल्टा क्यों, 7654321, क्योंकि हम लोग डेटा हमेशा स्टार्ट या प्रोसेसिंग हमेशा एप्लीकेशन लेयर से. एक और क्वेश्चन है, जब टॉरेंट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें मतलब अलग अलग जगह से डाउनलोड शुरू होता है, तो ये UDP से होता है भाई साहब, तभी तो वो UDP से होता है, TCP से नहीं होता. वो डाउनलोडिंग UDP कहलाती है. तो अलग 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 सेशंस आपके क्रिएट होते हैं, अलग अलग पाथ आपके पास होता है. इस चीज़ को कहते हैं पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि पैकेट्स किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, मगर डेस्टिनेशन सबका एक ही होता है. एप्ट्रॉन आने के लिए आप लोग कई जगह से आते हो, मगर आप आते सीधा एप्ट्रॉन नहीं हो, क्योंकि डेस्टिनेशन एक है मगर आपके पाथ अलग अलग है. इसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग. एक होता है सर्किट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग मतलब आपका हर बार रास्ता एक ही है आपका, वो है नीली वाली मेट्रो. तो क्या वो सर्किट स्टैब्लिश है, सब लोग नीली वाली मेट्रो पे जाते हैं, डेट इज सर्किट स्विचिंग, जो एक ही रास्ते से आगे ये सर ये है नहीं एक्चुअली. ये तो मैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क BCA के बच्चों को, BTech के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ. आप चाहिए तो मेरे को दे दूँगा मैं, मेरे को देखिए. सर्किट स्विचिंग मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उसको कम्युनिकेशन करने से पहले अपने सेशन को इनिशियलाइज करते हैं. जैसे किसी को फ़ोन करना होता है, आप लेट आए, किसी को फ़ोन करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं, वहाँ पे घंटी बजती है, फ़ोन बजते हैं. और फ़ोन बजने के बाद तो आप बातचीत शुरू करते हो, कम्युनिकेशन करते, और कब तक करते हो, जब तक कनेक्शन बना होता है. तो इसे क्या कहते हैं, सर्किट स्विचिंग, क्योंकि एक सर्किट बना हुआ है. और ऐसा थोड़ी आपने नंबर डायल करा, क्या आला जान, बढ़िया थी फर्स्ट क्लास, ऐसा थोड़ी है. पहले आप फ़ोन तो मिलने दे क्या पता जान की अम्मा ने फ़ोन डाल दिया था, मालूम हो सकती है ना. सर्किट स्टैब्लिशमेंट में ये करना पड़ता है, पर पैकेट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. हम ट्रांसमिट करते थे, जिसके पास जानी होगी चली जाती, पैकेट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. और आज के डेट में हम लोग सारा कम्युनिकेशन पैकेट स्विचिंग से कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि पहले हम डायलॉग कनेक्शन इंटरनेट यूज़ करते थे. हम क्या करते थे, पहले फ़ोन में से तार निकालते थे और मॉडेम में लगाते थे, और फिर एक नंबर डायल करते थे, फिर कनेक्टिविटी होती थी. कनेक्टिविटी होने के बाद इंटरनेट चलता था. पर आज की डेट में ऐसा नहीं है. आप घर पे जाते हैं, ब्रॉडबैंड चालू करते हो, कनेक्शन बना होता है, ऑलरेडी बना होता है. उसे कहते हैं PVC, परमानेंट वर्चुअल सर्किट. एक वर्चुअल सर्किट बनता है मगर परमानेंट होता है, कम्युनिकेशन चलता रहता है. बोल सर, उसका सर्वर का DNS चेंज करके देख ले एक बार. तो DNS चेंज होगा तब की बात है, क्योंकि एयरटेल वाले कई साइटें एयरटेल वालों ने ब्लॉक की हुई है. अगर नंगी पुंगी साइट खोल रहा है तो एयरटेल में नहीं खुलेगी, पहले बता. और जियो में भी नहीं खुलती है ना सर, उसको खोलने के लिए देखा गया तो जियो उसमें खोलने के लिए आपको प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ती है. तो आप प्रॉक्सी यूज़ करके, VPN प्रॉक्सी आप खुद का ओपन प्रॉक्सी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हो. ओपन VPNs कहते हैं, आप बना सकते हो. तो 7654321 ये लिखने की वजह ये होती है, क्योंकि आप डेटा हमेशा क्या से शुरू करते हो, सोर्स से शुरू करते हो. अब इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं. OSI अगर आप रियली बताऊँ ना, OSI सागर है.
अगर आप इसकी मार्केट में बुक खरीदने जाओ, एक लेयर की इतनी बुक मिल जाएगी, तो सात लेयर की इतनी मोटी मोटी बुक हो गई, और सातों लेयर की इतनी मोटी बुक मिल जाएगी, सातों लेयर की, इतना बड़ा ग्रंथ है अपने आप में, वैसे ज़बरदस्त है वो ऐसा ही। अगर मैं वाक्य में इसे सही ढंग से पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, तो शायद अगले दो दिन तक आपको यहीं बैठना पड़ेगा, इतनी बड़ी चीज़ है वो ऐसा ही। सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका यूज़ आज तक आपने नहीं किया। आप कभी किसी को नहीं बोलते मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर ख़राब हो गई है, जाके रिपेयर कर दे, या मेरे पैकेट लेयर में नेटवर्क लेयर में इशू आ रहा है, इसको ठीक कर दे, कभी नहीं बोलोगे आप किसी को ये लेयर्स के बारे में कभी नहीं बोलते। मगर डेटा आपका जो फ्लो होता है ना, पर एक्चुअली बताऊँ ना, हम इस लेयर को यूज़ ही नहीं करते, चाहे डेटा फ्लो क्यों ना हो जाए, हम लोग यूज़ करते हैं इसकी जो पुरानी लेयर होती है, वो होती है TCP/IP मॉडल, हम उस लेयर को यूज़ करते हैं। ये तो प्रोटोकॉल डेवलपर्स वालों के लिए बनाई है, तो इसका बताया गया कि कैसे कम्युनिकेट। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो समझने वाली चीज़ होती है, एक चीज़ होती है एनकैप्सुलेशन, एक होता है डीकैप्सुलेशन। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होगी, डेटा यहाँ से शुरू होता है डेटा, अब जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है डेटा ही रहेगी, ये डेटा ही रहेगी, मगर इसके साथ एक चीज ऐड हो जाएगी एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब या तो ये फाइल .doc हो सकती है, या फिर ये फाइल MP3 हो सकती है, MP4 हो सकती है, ZIP हो सकती है, ENC हो सकती है, ZIP मतलब कंप्रेस होगी, ENC मतलब इनक्रिप्ट होगी, PDF हो सकती है, जो भी एक्सटेंशन होती है ना वो एक्सटेंशन यहाँ लग जाती है। तो आप देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, एनकैप्सुलेट, एनकैप्सुलेट मतलब होता है एक लेयर चढ़ाना। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी नीचे आएगी, और यहाँ पे ये पूरी नीचे ऐसे आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, उसे कहा जाता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, जिसका काम होता है सेशन को मैनेज करना। अब वो पूरी ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे आएगी, पूरी पूरी आती है ऐसे आएगी, मगर ये कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी ऐसे आएगी मगर ये कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट किस में हो जाएगी, एक दो तीन चार, ये क्या बनेंगे, सेगमेंट्स। इसके बाद ये पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ बनेगी, यहाँ आएगी। अब ये चीज के साथ एक चीज ऐड हो जाएगी, उसका नाम है IP, और इसको अब बोलेंगे पैकेट्स। IP जो होगा वो हर सेगमेंट में ऐड हो जाएगा ना सर, हर डेस्टिनेशन जाने के लिए जरूर है, क्योंकि अगर आप पैकेट स्विचिंग कर रहे हो ना, तो पैकेट स्विचिंग में यस, और अगर आप सर्किट स्विचिंग कर रहे हो तो एक के पीछे पर डिफाइन हर चंक्स पे होता है, मतलब हर सेगमेंट में आईपी चंक्स पे, और सर्किट स्विचिंग में भी, हाँ बिल्कुल हर सेगमेंट में, बिल्कुल। बस पाथ क्या होता है, प्री डिफाइन, सर्किट में प्री डिफाइन है, उसमें बस हम डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल देते हैं, चार वहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ मर्जी से। यहाँ पे एक चीज़ और भी डिसाइड होता है, वो होता है सर, कोई फाइल अगर बिना फॉर्मेट क्या वो कैसे सेंड होगा, सेंड हो जाएगा बस, सेंड होने की टेंशन नहीं होती है, पर खोलोगे ना जब ओपन विद लिखा है सेंड हो जाएगा वो किसी ना किसी फॉर्मेट में है या नहीं है, वो तब डिसाइड होता है जब आप उसे प्रेजेंटेशन लेयर पे खोलोगे, जाने के टाइम पे उसका कोई मतलब नहीं होता भाई, जाने के टाइम पे फाइल है, फाइल का है, चंक्स बन गए भाई, टुकड़े हो गए उसके, तुम्हें क्या लगता है पूरी फाइल जाती है, अभी भी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं कुछ करते हैं तो पूरी फाइल आती है ना, उसके चंक्स आते हैं, वो आने के बाद क्या हो जाता है, सीक्वेंस नंबर पे जुड़ जाता है, सिंपल भाषा में। कभी भी आपको इंटरनेट पे साइट खोल के देखना, अभी चलो पहले मैं समझा देता हूँ उसके बाद। तो ये पैकेट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा, ये क्या था, ये सेगमेंट्स था, अब वो क्या बन गया, अब वो पूरा का पूरा पैकेट नीचे आ जाएगा, पैकेट्स। अब वो पैकेट्स क्या, पैकेट पे क्या लगा देंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, फ्रेम्स। अब वो फ्रेम्स कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर किसी में, फॉर्मेट बिट्स में। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हर चीज ऐड होती आ रही है, पर जैसी वो यहाँ पे आएगी ना, जो भी था 110, तो सबसे पहले बिट्स कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, फ्रेम्स में। तो फ्रेम्स में क्या लगा हुआ था, मैक लगा हुआ था ना,
तो मैक का काम खत्म, डीकैप्सुलेट भाई मैक तेरा काम खत्म, मैं यहाँ तक पहुँचा दिया, थैंक यू बाय। अब इंफॉर्मेशन फ्रेम से ऊपर गई, क्या बनी? और पैकेट्स पे क्या लगा हुआ था? हट जाओ आईपी की, आपका काम भी खत्म। अब यहाँ पे आया वो क्या बना? सेगमेंट्स बने हुए थे, अब ये सेगमेंट्स को वापस कन्वर्ट कर दिया किस में? डेटा। हट जाओ जी सेगमेंट, सेगमेंट आपका काम भी खत्म, चलो जी ऊपर जाओ। अब आरपीसी यहाँ पे जोड़ी थी ना आपने, यहाँ पे जो डेटा आया था उस पर आरपीसी जोड़ी थी, अब आरपीसी को बोला भाई सक्सेसफुली रिसीव, मेरे पास सक्सेसफुली पहुंच चुका है, अब आपको खत्म, टर्मिनेट कर दे सेशन। और जब आपने उस चीज को भाई, जब ये तब तक रहता है जब तक अटैचमेंट से डाउनलोड ना कर लो, अटैचमेंट में डाउनलोड करने के बाद अब बंद कर दो अपना ब्राउजर, तो क्या वो फाइल नहीं खोल सकते? खोल तो सकते हैं। उसके बाद हमें पता लगा फाइल कौन सी थी, डीओसी। खत्म भाई सर, डीओसी आपका काम भी खत्म। तो डीओसी किस में खुलेगी? यहाँ कुछ नहीं होता यहाँ, क्योंकि कोई चीज ऐड नहीं होती है, हमेशा ऐड होती है यहाँ पे। इसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन और इसे कहते हैं डीकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मींस कि जब कभी डेटा अपर लेयर से लोअर लेयर पे आता है तो उसके पास उसके ऊपर एक चीज ऐड हो जाती है, उस चीज ऐड होने को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं हेडर। दो चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट OSI में, एक होता है हेडर और एक होता है पेलोड। पेलोड इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन विच इज कम फ्रॉम द अपर लेयर। भाई डेटा है, मैंने तो डेटा बनाया ना, अब इसको कैसे पता लगेगा डेटा डेटा है? क्या कर देगा? उसको पेलोड में फिक्स कर लेगा। और इसने जो काम किया वो लिख देगा हेडर सिक्स में वो लिख देगा कि भाई मैंने क्या किया, उसको फॉर्मेट डिसाइड किया मैंने फॉर्मेट। फिर आरपीसी बताएगी हेडर फाइव में क्या बताएगा कि किसके बीच में कम्युनिकेशन बनाना है, कब तक बनाना है, कब उसे टर्मिनेट करना। इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश द सेशन, मेंटेन द सेशन एंड टर्मिनेट द सेशन। ये पांच नंबर। और जब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई, टुकड़ों में टूटने के बाद डिसाइड हुआ उसका पोर्ट नंबर क्या है, क्या चीज़ें, सब कुछ वक्त डिसाइड हो गया। तो यहाँ पे कौन सा हेडर एज हुआ? हेडर फोर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर। और जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पहुँची तो कौन सा हेडर हुआ? हेडर थ्री पे क्या लग गया? हेडर थ्री में क्या होगा? पेलोड होगी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ ही है, इसलिए मैं जानबूझ के, देखो मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये होती है पेलोड, दिस इज पेलोड एंड दिस इज हेडर पेलोड हेडर पेलोड हेडर पेलोड। ऊपर से पेलोड आता है, हेडर एड हो जाता है, फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन पेलोड बन जाती है। तो इसमें सब आ रहे हैं, यहाँ पर आई ना, तो इसके पास हेडर सिक्स भी है, इसके पास हेडर फाइव भी है, इसके पास हेडर फोर भी है, अब इसने अपना हेडर लगा दिया। उस हेडर थ्री में क्या लिखा? हेडर थ्री में लिखा आईपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। फिर यहाँ अपना हेडर इसने ऐड कर दिया, तो आईपी ऑलरेडी यहाँ पे होता है, बस यहाँ पे हम मैक ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन को जब बिट्स में कन्वर्ट किया तो हेडर वन ने बनाया, मैंने इसको बिट्स में कन्वर्ट किया, इसे कहते हैं एनकैप्सुलेट। अब जैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचेगी, सबसे पहले कौन सा हेडर हटेगा? H1। फिर कौन सा हटेगा? H2। फिर कौन सा हटेगा? H3। फिर H4। फिर H5। फिर बस खत्म, यही तक हेडर थे और कहीं हेडर ही नहीं थे। तो अब यहाँ पे हेडर जुड़ा, यहाँ पे हेडर हटता है पेलोड निकलता है, हेडर हटता है पेलोड निकलता है, हेडर हटता है पेलोड निकलता है, हेडर हटता है पेलोड निकलता है। अब क्या वजह क्या है, हम डेटा को चंक्स में क्यों डिवाइड करते हैं? बैंडविड्थ है, डेटा है, सही पहुंचे, सही ढंग से पहुंचे, वो चीज करें, अब उसमें सीक्वेंस नंबर क्यों डालते हैं? कि जो डेटा है वो सीरीज में जाए और सीरीज में ही ऐड हो जाए, जरूरी नहीं है कि सीरीज में जाए। डेटा ऐसा नहीं होता, आप ये मत सोचना कि डेटा सीरीज में जाएगा। मैंने अभी आपसे बोला, आप मैंने कम से कम 50 पैकेट बना दिए, 10 इधर से गए, 10 इधर से गए, 10 इधर से गए, 10 इधर से गए, तो सीरीज थोड़ी है।
41 से लेकर 50 वाले पहले पहुंच गए, 41 से 50 वाले पहले पहुंच गए, 1 से 10 वाले सबसे लास्ट से पहुंचे। तो जब तक 1 से 10 वाले, क्योंकि लिखा आएगा उस पर क्या 41 out of 50, बट रेस्ट 1 से लेकर अभी 49 तक आए। तो जैसे सारे आ जाते हैं वो रीअसेंबल होते हैं सीक्वेंस वाइज। तो मैं आपसे कह रहा था कभी भी आप चेक करके देखना आपकी साइट, जब भी कभी वेबसाइट खोलते हो ना, वो वेबसाइट हमेशा ऊपर से नीचे खुलती है। कभी कोई देखा है वेबसाइट नीचे से ऊपर खुलती हुई? आज तक रिकॉर्ड है आपने कभी देखा नहीं होगा। तभी आपकी वेबसाइट आधी खुलती है, नीचे लिखा होता है पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, फिर आप क्या करते हो रिफ्रेश करने का मतलब आपकी बफर में कोई पेज रह जाता है ना, फिर उस बफर को आप आगे लेके आते हो। भाई आपने साइट खोली santavanta.com हैं, इतने में मल्लिका शराब और नीचे ऋतिक रोशन, क्यों भाई? पैकेट मिसमैच हो गया। पैकेट मिसमैच का मतलब क्या होगा? इन्फॉर्मेशन खराब, कुदरत का करिश्मा। तो कभी ऐसा हुआ? तो आप क्या करते हो? रिफ्रेश मतलब जो पैकेट सीक्वेंस वाइज नहीं आए हैं उन्हें सीक्वेंस वाइज ले आओ। इसलिए सीक्वेंस नंबर डाला जाता है ताकि डेस्टिनेशन में ऑर्डरिंग वाइज लगे। तो यहाँ पे डेटा होता है फ्रेगमेंट, यहाँ पे डेटा क्या होता है फ्रेगमेंट, और डेस्टिनेशन पे डेटा क्या होता है असेंबल। अब पूछो क्या क्या पहले क्या होता था? टेक्स्ट मैसेज 1 आता था, इसको कहते हैं मैसेज सूची। आजकल तुम जो व्हाट्सएप करते हो ना, व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप का मतलब होता है मैसेज सूची। मैसेज स्विचिंग का मतलब क्या होता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड। पहले आप व्हाट्सएप पे टाइप करते हो वो आपके पास स्टोर होता है, आप जो लिखते हो वो पहले कहाँ सेव होता है? आपके मोबाइल में। फिर आप सेंड बटन पे क्लिक करते हो तो जाके होता है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड, तो पहले TX आएगा, TX1, TX2, TX3। पहले ऐसा होता था ना, टेक्स्ट मैसेज 3 आ गया, लिखा आता था कि 3/3 सम टेक्स्ट आर मिसिंग, ऊपर लिखा आता था सम टेक्स्ट आर मिसिंग। दूसरा आ गया, पहला नहीं आया, तीसरा नहीं आया, नीचे लिखा होता था ऊपर लिखा होता, दोनों तरफ के बीच का मैसेज आइए सम टेक्स्ट आर मिसिंग। तो जब तक सीक्वेंस वाइज नहीं लगती इन्फॉर्मेशन तब तक वो रीअसेंबल नहीं होगी प्रॉपर तरीके से और आपको डिस्प्ले नहीं होगी। अच्छा सर, इतना जो हेडर उसमें झुकता है इसका मतलब फाइल का साइज भी बढ़ जाता होगा? सर ऐसे कुछ नहीं होता, हेडर इतना साइज नहीं बढ़ता। जो हम लोग सोचते कि नहीं यार हेडर झुक गया इतना साइज पड़ेगा, इतना कितने साइज का साइज कितनी कुछ नहीं होता, बिट्स में होता है, किलोबिट्स में आपका आ जाएगा। बहुत साइज इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट, मैंने बोला ना फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है फ्रेगमेंटेड करना, बहुत साइज बसता है उसे कोई टेंशन नहीं है। तो अगर हो भी गया तो हेडर क्या सब पे ऐप लगना है तो हेडर क्या इतना ज़्यादा लेगा स्पेस? हाँ बोलो क्या कहते हैं संदीप। हाँ हाँ वो हो जाता था पहले, पीछे हो रहा था ऐसा कि हम मैसेज सेंड करते थे, बंदे के पास मैसेज पहुंचता नहीं था, हमारे तरफ से आता था और एक नोटिस लिखा आ जाता था ना, वो व्हाट्सएप का फॉल्ट है, वो आपकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल होता है। व्हाट्सएप तक पहुंच गया शायद आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, कुछ ना कुछ मिस हो सकता है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी, एनकैप्सुलेट डीकैप्सुलेट समझ आ गया था कि जब कभी हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं तो सोर्स पे वो चीज़ क्या होती है, सोर्स पे हम लोग क्या चीज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या, हेडर, ठीक है ना, और वहाँ पे क्या होता है डीकैप्सुलेट, तो वहाँ से हेडर रिमूव होता जाता है। नॉर्मल भाषा में अगर बात करूँ मैं, कभी आपने चॉकलेट बनती हुई देखी है? देखिए कैसे layer. कैसे बनती सर, एक लेयर क्रीम का, एक लेयर पता नहीं कैसे सर, एक लेयर वाली लेयर पता नहीं कैसे, फिर देखी कहाँ पे है तुमने सर डिस्कवरी पे? सबसे पहले अन्ना जाता है केरल, हाँ अन्ना जाता है केरल में, वहाँ से लेकर कोको है, हाँ अन्ना वाला, वो आजकल इसमें ऐड नहीं आ रही कॉफ़ी वाली, हाँ चम्मच ही तो डाला तुमने, तपन्ना नाम पता नहीं क्या नाम होता, तपन्ना नाम होता है उसका। और फिर आगे हाँ
उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, कोको पाउडर बनता है। उसके बाद कोको पाउडर में क्या डाला जाता है, देख अब देखना, मतलब देखना, मतलब पहले कोको लिया, मतलब वो लिया, बीज लिया, उसके बाद उसको पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उसके अंदर कैरेमल डाली, शुगर डाली, उसको जलाया जाता है, तपाया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है, तो उसकी फॉर्मेशन चेंज होती जाती है। फिर उसके अंदर चॉकलेट डाली, कैरेमल डाला, उसके अंदर नट डाल दिए, किशमिश डाल दिए, काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए, पीनट्स डाल दिए, हैं डाले, उसके बाद डालने के बाद मीठा वीठा डालने के लिए कैरेमल डाल दिया, है ना, कैरेमल कैसा, शुगर वगैरह सब कुछ जो भी डालना है डालते हैं, प्रोटीन प्रोटीन मिक्स कर दिया। उसके बाद उसको एक सांचे में लगाते हैं, सांचे में, ताकि उसका डिज़ाइन, अभी वैलेंटाइन डे पे आई नहीं थी चॉकलेट जिसके बीच में उंगली मारो दिल निकलता था, हाँ आई थी ना, कैडबरी की ऐड देख तो रहा था मैं, उसमें होता था ना ऐसा बनाया था कैडबरी में, आप दिल वाले पे ऐसे क्लिक करोगे तो दिल निकल जाता है कैडबरी की ऐड में, तो वो डिज़ाइन बनाना, फिर डिज़ाइन को आपने किस में, फॉइल में, फिर उस चॉकलेट को फॉइल में, एक होता है ना गोल्डन वाला फॉइल, गोल्डन वाले फॉइल के ऊपर कागज, कागज के ऊपर पन्नी का रैपर, पन्नी के रैपर के ऊपर बॉक्स, ऐसा होता है ना। अब एक एंड पे तो ये चीज़ हुई, अब डेस्टिनेशन पे क्या होता है, सबसे पहले बॉक्स आता है, बॉक्स आता है, बॉक्स अनपैक होता है, बॉक्स बॉक्स को फेंक दो बाहर, बॉक्स का काम खत्म, चल भाई डीकैप्सुलेट, चल बेटा निकल ले। उसके बाद पन्नी निकाली गई, पन्नी फाड़ते हैं, रैपर जिसे आप लोग बोलते हैं, फिर पन्नी भाई तेरा काम खत्म, चल कूड़ेदान में, डीकैप्सुलेट, पन्नी का काम डीकैप्सुलेट। उसके बाद कागज, जो कागज होता है, कागज को आप हटा देते हो, चल भाई कागज तू भी डस्टबिन में जा, तेरा काम डीकैप्सुलेट। फिर आप वो गोल्डन वाला रैपर जो होता है जैसे फॉइल कहते हैं हम, फॉइल, फिर वो फॉइल हटाते हो, उसका काम भी डीकैप्सुलेट। फिर सांचे में बनी होती है चीज, उस सांचे वाली चीज को आप टुकड़ों में तोड़ देते हो, डिवाइड कर देते हो, ले भाई सांचा भी गया, जो डिज़ाइन था चॉकलेट का वो भी गया, वो भी डीकैप्सुलेट। फिर उसके बाद चॉकलेट मुंह में लेते हो, हाँ हाँ काजू आ रहा है, किशमिश भी आ गई, डीकैप्सुलेट, जो पहले डाली गई थी अब तुम निकाल रहे हो उसको, अब तुम उसको अलग कर रहे हो, जो चीज़ सॉलिड हो गई थी तुमने उसको वापस चॉकलेट में बना दिया, लिक्विड बन गई, वो लिक्विड बन गया, पेट में जाएगी, पेट में बन गया फिर बीज निकलेगा। तो आप समझे एनकैप्सुलेट डीकैप्सुलेट का मतलब, समझे इस सोर्स पे हमेशा अपेंड होता जाता है हेडर, और उस हेडर में वहां पे क्या किया गया था कि भाई पता लगा था कि चॉकलेट बनाते समय सबसे पहले पाउडर को बनाया गया था लिक्विड, तो लिक्विड ही आई, उससे उसके बाद डाला गया था कैशू किशमिश ये सब कुछ चीजें, तो वो क्या था, किशमिश अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट में, तो बहुत टेस्टी लगती है आइसक्रीम और चॉकलेट में किशमिश बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं कम खाता हूँ ऐसे, नहीं खाता हूँ तो बहुत हुआ, मैं भी लेके घूम रहा हूँ, मैंने अभी खाई नहीं क्योंकि आप लोग आ गए थे जल्दी, खा नहीं पाया, ये अभी लेके घूम रहा हूँ, आदत है यार क्रंची वाली, इसमें इसमें किशमिश नहीं होती है, इसमें उस टाइम क्रंची डालते हैं, ठीक है, किशमिश के टाइम पे तो क्या होता है क्रंची, वो डाली गई थी उस टाइम पे, तो मेरे पास भी जब आई तो क्रंची आई चॉकलेट के लिए रटने के बाद। फिर उसके बाद उसको किस में रखा गया था, सिल्वर पेपर में, सिल्वर पेपर मतलब सांचे में डाला गया था सिल्वर पेपर में, फिर वो सांचा भी टूटता है, सिल्वर पेपर भी हटता है, तो जो हैडर, मेरा ये ओवरऑल कहने का मतलब है, जो हैडर सोर्स पे जिस लेयर पे अपेंड होता है ना, एनकैप्सुलेट होता है, वो हैडर उसी लेयर पे डीकैप्सुलेट होगा जहाँ पे वो लगा था, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, एनकैप्सुलेट ऑलवेज ऑन अ सोर्स एंड डीकैप्सुलेट ऑलवेज ऑलवेज इन अ डेस्टिनेशन, और जो हैडर जिस लेयर पे लगा था वो उसी लेयर से हटेगा, क्लियर है। ये थी आपकी OSI, मगर OSI पे हम आज तक काम नहीं करते सर। हाँ जी, अब जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इसी हिसाब से वो होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, इन लेयर्स का काम होता है हमेशा डेटा को प्रोसेसिंग करने से पहले एरर फ्री बनाना, इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर चेकसम होता है, चेकसम का मतलब ये होता है कि वो एरर डिटेक्शन करे। जैसे अगर कोई सिस्टम पे पहुंच नहीं पा रहा, आईपी एड्रेस फाउंड नहीं कर पा रहा कोई मैसेज, तो नेटवर्क लेयर ने बता दिया ना, नेटवर्क लेयर ने चेकसम बता दिया, नेटवर्क लेयर ने बोला कि भाई आईपी नॉट फाउंड,
आईपी नॉट फाउंड क्योंकि वो आईपी एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब कभी आप किसी को ईमेल भेज देते हो वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कौन बताता आपको? ये तो डिसाइड करती है, और डिसाइड करने के बाद बता देती है नहीं मिला आपके पास इंट्रैक्शन हो जाता। हाँ, हर किसी लेयर का, हर किसी प्रोटोकॉल का अपना खुद का फॉर्मेट होता है। जैसे आप TCP बोलते हो, TCP, अब TCP का अपना खुद का एक हेडर फॉर्मेट होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ होती है, जिसमें होता है पहली चीज़ होती है उसकी हेडर में सबसे पहली चीज़ होती है आपकी क्या कहते हैं यार उसको, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, फ्लैग्स, ऑफसेट, अर्जन पॉइंटर और डेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है एक्नॉलेजमेंट नंबर। भाई जब TCP के थ्रू कम्युनिकेशन करोगे ना, तो TCP अपना एक हेडर फॉर्मेट लगा देती है, क्योंकि TCP के थ्रू आपके पास क्या आएगी, एक्नॉलेजमेंट। तो उस TCP के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, वो होता है उसका हेडर फॉर्मेट। जैसे IP है, IPv4 का अपना एक फॉर्मेट है, उसमें वर्जन होता है कि IPv4, IPv6, IHL होता है, इंटरनेट हेडर लेंथ होता है, उसके बाद डेटा की लेंथ होती है, पैडिंग होता है, विंडोज होता है, ऑफसेट होता है, सोर्स IP एड्रेस होता है, IP में IP एड्रेस, मगर TCP और UDP में क्या होता है, पोर्ट, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, क्योंकि वो पोर्ट पे चलती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। उसके बाद तुम्हारा IP में और क्या क्या चीज़ होती है, IP में तुम्हारा पैडिंग होती है, पैडिंग, जब कभी हम कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिट करने पे टाइम पे, वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के टाइम पर उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 32 बाइट। अब 32 बाइट में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, वो 16 बाइट में है। तो पैडिंग क्या करता है, पैडिंग उसमें 0000000 16 अपनी तरफ से ऐड कर देता है। जीरो का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो 16 ऐड करके कम से कम मिनिमम साइज तो कर देता है, ताकि इन्फॉर्मेशन जाए, वरना जाएगी नहीं, उसे कहते हैं पैडिंग। TCP में एक चीज़ होती है विंडो। विंडो का मतलब क्या होता है भाई, जब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे पास 5 ट्रॉफी है, मैंने तुम्हें एक दे दी 1 out of 5, तो आपको पता लग गया मेरे पास टोटल कितनी है, 5। 1 out of 5 टोटल कितनी है, 5, जिसमें से एक आ गई है। अब मुझे तुम एक्नॉलेजमेंट दोगे किस चीज़ की, ACK 2, इसका मतलब एक सक्सेसफुली आ गई। अब मैंने 2 भेजी 3 भेजी 4 भेजी 5 भेज दी, और तुमने मुझे बोला ACK 4, इसका मतलब 2 3 5 सक्सेसफुली आ गई, दिक्कत आई है 4 में, उसे दोबारा रीट्रांसमिट करो। ये सिर्फ TCP में होता है। ये चेक जो करे वो सेशन लेयर करेगा? नहीं सर, ये सेशन लेयर नहीं करता, सेशन नहीं करता, ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही करेगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP करेगा। हर लेयर पे अपना खुद का चेकिंग होता है सर, मतलब ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर दो रिस्पॉन्सिबल होती है इन चीज़ों के लिए। किसी भी फाइल के दो नाम होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है एक्सटेंशन। प्राइमरी मतलब तूने अपना नाम दिया संदीप, और एक्सटेंशन मतलब .doc, .txt, .pdf, .jpg, whatever। वो डॉट जो होता है ना, डॉट का मतलब होता है एक्सटेंशन, डॉट का मतलब हेडर नहीं होता। और बोलो सर, अगर कोई फाइल है उसके आगे मैंने कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअल में वो फॉर्मेट जिस फाइल के लिए बन के आया था, आपने उसका नेचर चेंज कर दिया। मतलब मैंने हम कभी मूवी वाली फाइल मैंने रखी हुई है अपने लैपटॉप में, सर उसको डॉट लगा दीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि वो मूवी वाली फाइल कोई और ना चला सके, तो मैंने उसको .pdf कर दिया, उस मूवी वाली फाइल को .pdf कर दिया, उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया, तो PDF होती है। जब कहीं कोई बंदा उस पर डबल क्लिक करता है, PDF खुलती नहीं है, एरर लिखा देता है कि जी आपने जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया है ना, PDF में उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। पर जब मैं खोलता हूँ ना, तो राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद VLC प्लेयर। और सर ऐसा भी होता है कि सर किसी फाइल के पहले अगर डॉट लगा रहते हैं तो हिडन हो जाता है विंडोज में। हां वही चीज मैं बोल रहा था कि उसका नाम नहीं दिया मैंने, सीधे डॉट लगा के PDF लिख दिया, तो वो हिडन हो जाता है, प्लस वो करप्टेड फाइल आता है। अगर यार हिडन फाइल शो भी कर रहा है अपने, गलतफहमी है आपकी, फोन में होता है ना, कंप्यूटर विंडोज में भी होता है सर, विंडोज में वो राइट क्लिक करके पहले उसको रीनेम करना पड़ता है, और रीनेम करने पे भी नहीं होता,
लगता है कि हाइड होते हुए देखते हैं सर। सर देखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। और रीनेम करने पे भी नहीं हो, ये तुम हैकिंग पे जा रहे हो, सीसीएनए का पार्ट नहीं है। मैं बता देता हूँ यहीं पे दिखा देता, लाइव दिखा देता हूँ। डॉट के बाद आप कहना ना, मैं डॉट के बाद नाम लिख देता हूँ। आप तब लिख सकते हो जब उसकी एक्सटेंशन शो हो रही होगी। अगर एक्सटेंशन शो नहीं हो रही होगी ना तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो आप जितना मर्जी डॉट पोर्ट लगा के कुछ भी डालो, कुछ होगा ही। आप करके देखो, मैं एक और बता देता हूँ। ये होता है OSI। एक दूसरा और मॉडल होता है जिसे कहते हैं TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल, इसको एक नाम और दिया गया है DoD मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उसने क्या किया हुआ है, ये और ये तीनों लेयर को कंबाइन करके सिर्फ एक ही लेयर बनाई हुई है, उसका नाम है एप्लीकेशन। इस लेयर को कंबाइन करके ये शायद है, ये शायद है, ये शायद है। इसका नाम रखा है ट्रांसपोर्ट, ही कह देते हैं कई लोग इसको, मगर इसको एक नाम और दिया हुआ है होस्ट टू होस्ट, या इसको ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, कोई टेंशन नहीं। इसको बोला जाता है इंटरनेट लेयर, और इन दोनों लेयर को कंबाइन करके एक बनाया हुआ। काम सबके सेम है, बस कंबाइन कर दिया। मगर ये क्या है, हम आज भी जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो इसकी वजह से करते हैं। ये ध्यान रखना, हम OSI को यूज़ नहीं करते, हम TCP/IP को यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स है ना, वो TCP/IP मॉडल पे चलती है। तो हमें मजबूरन यही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है जी। ये आपकी फ़ाइल है HSRB वाली, ठीक है ना। इसकी ये ले लें, अंदर से कोई और फाइल निकाल लेते हैं, इसको छेड़ते नहीं, किसी की काम की फाइल हो सकती है ये। मान लो ये वाली फाइल है, इंटरव्यू लें, ये एक JPG फाइल है, ये एक पिक्चर है, ठीक है जी। डबल क्लिक करोगे पिक्चर खुलेगी, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो आप पिक्चर खुलेगी दिखेगी। अब तुम कह रहे हो सर क्या करूँ इसके आगे, बिल्कुल आगे, हाँ डॉट हो गया, एंटर कर दिया, क्या हो गया, कहता हूँ कुछ नहीं होता, क्या हुआ, डॉट लग गई आगे बस। हाँ देखो डॉट लग गई इसके आगे। इसमें तो ऑनली रेडियम का ऑप्शन आता है, लेकिन हमारे कन्वर्ट होती है, वो चीज़ अलग है। कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, वो ये तो आपसे कह रहा था। कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको इसकी एक्सटेंशन शो करानी पड़ती है। तो उसमें जाओ, फोल्डर ऑप्शन पे जाओ, ठीक है, व्यू में जाओ, ये लिखा हुआ हाइड एक्सटेंशन नॉन फाइल, इसे अनटिक कर दो। हाइड एक्सटेंशन नॉन फाइल्स, इसे अनटिक कर दिया, अनटिक कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, PNG लिखा रहा है, PNG। तो आपने क्या करा, PNG और ये सब हटा दिया आपने, आपने सिर्फ लगा दिया डॉट, एंटर मार दिया। तो कह रहा डॉट नहीं चलेगा, कोई भी नाम लिख दो, जैसे ए लिख दो, ए लिख दो, और डॉट या ए लिख दो सिर्फ, चल जाएगा, ए लिख दो सिर्फ, ऐसी होगी, करप्ट हो गई। अब कोई डबल क्लिक करेगा ओपन विद दिखाएगा, खुलेगी नहीं, तब खुल जाएगी, नहीं खुली। अगर इसको आप ओपन करते हो और ये लेते हो आप, मतलब इसको इसने ये प्रेजेंटेशन दे दिया, प्रेजेंटेशन है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मेट नहीं है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट डिसाइड कर दो, क्या a.jpg, तो फॉर्मेट डिसाइड हो गया। अब फॉर्मेट डिसाइड हो गया, अगर जैसे jpg हटा के .a, हाँ कुछ भी, तब भी कुछ नहीं होगा ना, तब भी क्या होगा, तब भी ओपन विद खुलेगा, ओपन हम इसको सबसे आगे डॉट की बात कर रहा है। अरे भाई सबसे आगे भी डॉट पे कुछ नहीं होगा, कह तो रहा था मैं तुम्हें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, ये विंडोज है, तो इसमें प्रॉब्लम कोई ना अपने डॉट डॉट ए,
है कुछ भी लिख दीजिए, एंटर मारिए, बस एंटर मारिए, हो गया। डॉट के आगे नाम देना कंपलसरी है, फर्स्ट नेम कंपलसरी है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप जो चाहते हो ना कि छुप जाता है, हाइड हो जाता है, इसमें कुछ और तरीका होता है। आपने एक फोल्डर बनाया, आप इसका बिना नाम दे दो, मतलब स्पेस मारते हो, एंटर मारते हो, नहीं बनता, बिना नाम का फोल्डर नहीं बनता। आप इसको क्या करो, नाम चेंज कर दो, ठीक है ना, इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, इंसर्ट यूनिकोड करेक्टर्स, और कोई भी एक करेक्टर सिलेक्ट कर लो रेंडमली, एंटर मार दो, बिना नाम का फोल्डर बन गया। और इस बिना नाम के फोल्डर पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, कस्टमाइज पे जाओ, चेंज आइकन पे जाओ, ओके कर दो। यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं ना, क्या फाइलें छुपानी है? शराफत तो इसके दाढ़ी से टपकती है। अब बोलेगा नहीं, चुप हो जाएगा। अब बोल, अब बोल सही है, तरीका होता है। पर एक और तरीका भी होता है हाइड करने का, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके हाइड कर देना है, वो अलग चीज़ है। हाँ, ऊपर में जाके वहाँ पे जहाँ पर आपने अपने बोला डू नॉट शो, डू नॉट शो, पर आज किट में वो सबको पता है सर, हर कोई शो कर लेता है, ऑलमोस्ट सबको पता है, ऑलमोस्ट सब शो कर लेते हैं। अरे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके हिडन, आज तो सबको पता होता है शो। समझ आया? ये आप जो बोल रहे थे ना, आपके एंड्रॉयड में अलग फीचर होता है पर विंडोज़ में अलग, एंड्रॉयड उसमें डिफरेंस आता है, वो कन्वर्ट कर देता है, ये हाइड करता है। हेलो पाँच वो आ गया ना, पंद्रह ठीक है जी। तो ये था आपका OSI एंड TCP/IP मॉडल। खत्म सर, बंद कर लो। ये आपने यूनिक कोड